नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आलू की टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होती है बनाने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए देखते हैं आलू की टिक्की को मैंने किस तरह से तैयार किया है। आलू की टिक्की बनाने के लिए ये मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, ये चावल का आटा है और ये चने की दाल है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था और बाद में इसे खुला ही उबाल दिया। सबसे पहले मैं अपने आलुओं को कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए, मैंने आलुओं को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा मिला लूँगी और आटे को मैं अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स कर लूँगी हाथों की सहायता से। ये देखिए, मैंने चावलों के अंदर आलू को मिक्स कर लिया है। दाल को फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर फ्राई पैन को रख लिया है, उसके अंदर तेल भी डाल लिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अपना जीरा ऐड कर लूँगी, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इसमें नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, ये भी स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको मैं 1 मिनट तक पका लूँगी, क्योंकि दाल तो हमारी ऑलमोस्ट पकी हुई है, बस थोड़ा सा मसाला और पक जाए इनके साथ और फिर हमारी फिलिंग तैयार है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल लूँगी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और गैस को मैं कर दूँगी बंद। यह आटा तैयार हो गया टिक्की के लिए और तेल भी गर्म हो गया है। सबसे पहले हम अपने हाथों को चिकना कर लेंगे और फिर थोड़ा सा बैटर उठाएंगे। एक कटोरी का आकार बना लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा मसाला भरेंगे। और इस तरीके से टिक्की का शेप दे देंगे। धीरे हाथ से उसे तेल के अंदर छोड़ देंगे और इस तरह ही मैं सारी टिक्कियों को तैयार कर लूँगी। ये देखिए, अब इसको भी तेल के अंदर डाल देंगे। और इसको बड़ी आसानी से पलट लेंगे। तो ये देखिए, मेरी 2 टिक्की का कलर बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये 2 मैंने सबसे पहले डाली थी तो इसलिए ये सिक चुकी है। अब इन दोनों को मैं निकाल लूँगी और इनको मैं सिकने दूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए, ये भी टिक्की हमारी सिक कर तैयार हो गई है। दोनों तरफ से बहुत सुंदर कलर आया है इनमें। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी और गैस कर देती हूँ मैं बंद।
इनकी हम आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म टिक्की बनकर तैयार है, आप भी खा लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।